स्वागत है। आज हम बनाएंगे ये पेज कैसे बनाते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप जल्दी से देख सकें। तो बहुत सारी आपकी कमेंटें मैंने सुनी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि आप ये डिजाइनर पेज कहाँ से लाते हैं। तो मैं तो भुज में रहती हूँ, इसीलिए मुझे तो आसानी से ये पेज कच्ची हैंडीक्राफ्ट के मिल जाते हैं, लेकिन जिसको नहीं मिल पाते, मैंने सोचा कि ये पेज कैसे बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट के, मैं वो आपको सिखाऊं। तो इसीलिए इस तरह के पेज कैसे बनाते हैं इस वीडियो में मैं वो सिखाऊंगी। तो चलिए हम कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं, चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए पहले हमें एक नीडल चाहिए, ऐसा ब्लैक कलर का कपड़ा चाहिए। उस पर इस तरह से 4x4 का ऐसा बॉक्स बनाना है, फिर उसे छोटा 3x3 का बनाना है, फिर इसमें छोटे छोटे ऐसे बॉक्स बना लेने हैं। फिर 9 मिरल चाहिए, ऐसे 3 रजाई के दो, इसको रजाई के दोरे बोलते हैं, ऐसे सिल्क के 3 अलग अलग कलर के दोरे चाहिए। और ये सीजर, और एक रेड कलर का भी दोरा चाहिए, और एक नीडल चाहिए। सबसे पहले तो हम नीचे से ऐसे थ्रेड्स को ऐसे निकालेंगे, फिर हम ये पूरा बॉक्स है यहाँ पे हम चेन भर देंगे इस तरह से। पहले हमें इसको ऐसे राउंड में लेना है, फिर यहाँ से ऐसे करना है, किसी तरह से पूरे बॉक्स में ऐसे हमें जो 4x4 का है उसमें भर देना है। अब इसी तरह से पूरे बॉक्स में ऐसे हमें चेन भर देनी है। इस तरह से हमें ऐसे थ्रेड रखना है, फिर ये जो है इसमें अंदर डाल के नीडल को ऐसे बाहर निकाल के ऐसे राउंड में लेना है। इस तरह से 1x1 करते जाना है। ये देखिए 4x4 का जो हमने बॉक्स है वो हमने इसे येलो थ्रेड से बना लिया है, ऐसे चेन बना लिए। अब हमें 3x3 का जो बॉक्स है उसपे भी उसी तरह से हमें चेन बना लेनी है। तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही बॉक्स में चेन बना ले, ये 3x3 का बॉक्स है उसमें भी हमें येलो थ्रेड से ही बनानी है। अब हमें पूरा बॉक्स उसी तरह से बना लेना है। ये जो लाइनें हैं वो भी हमें येलो कलर, ये देखिए 3x3 का जो बॉक्स था उसमें हमने येलो कलर के थ्रेड से ऐसे चेन कर ली है। अब हम ये जो लाइनें हैं इसको भी हमें येलो कलर के थ्रेड से ही चेन करनी है। तो मैं यहाँ से हम स्टार्ट इसे हमें स्टेप बाय स्टेप लाइनें कर लेनी है, चेन कर देना है। ये बॉक्स 4x4 के ये
चेन से कर लिया है अब थ्रेड, और ये अंदर के ये बॉक्स है 3x3 के, वो भी मैंने येलो थ्रेड से पूरा कर लिया। इस तरह से हमें पूरा येलो कलर से कर लिया है। अब हम बीच बीच में वाइट थ्रेड से करेंगे। तो इसके लिए हमें कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। यहाँ से हमें इस तरह से निडल को निकालना है और यहाँ से इस तरह से निडल को डाल के निकालना है। और यहाँ से हमें थ्रेड्स को इस तरह रख के यहाँ से फिर से हमें निडल को निकालना है। ये देखिए ऐसे हमें करना है। बीच में इतनी इतनी जगह छोड़ के हमें करना है। ये देखिए इस तरह से हमें पूरा इस तरह से राउंड में ले लेना है। इसी तरह से देखिए इस तरह से मैंने वाइट कलर के थ्रेड से पूरा राउंड कर दिया है। अब हम ये छोटे छोटे बॉक्स है उसके अंदर हम मिरर लगाएंगे। तो इसमें पहले बॉक्स में हम ग्रीन कलर का फिर रेड थ्रेड इसी तरह से हम करेंगे। तो मिरर कैसे लगाते हैं मैं वो बताती हूँ। मिरर को इस तरह से रख के यहाँ से हमें निडल को इस तरह से निकाल के यहाँ पे मिरर पे ऐसे रख के यहाँ से हमें ऐसे निकालना है निडल को। और दूसरी साइड भी हमें यहाँ से निडल को डालना है यहाँ पे और फिर यहाँ पे निकालना है। और ये जो हमने दो लाइनें की है उसमें इस लाइन के अंदर से ऐसे हमें निडल को डाल के ऐसे ऐसे करना है। फिर दूसरी लाइन में भी उसी तरह से हमें करना है। ये देखिए ऐसे, और फिर यहाँ पे हमें निडल को ऐसे डाल के यहाँ पे हमें निकालना है। फिर जिस तरह से हमने इस साइड किया उसी तरह से यहाँ पे भी करना है। थ्रेड्स को साइड में रख के करना है। ये देखिए और फिर हमें इसको ऐसे घुमा के यहाँ से निडल को हमें यहाँ से ऐसे करना है। फिर ये जो इस तरह से करके इसके अंदर से ऐसे हमें डालना है और फिर से यहाँ पे ऐसे ही करना है। अब उसी तरह से पूरे राउंड में करते जाना है। यहाँ से हमें निडल को इस तरह से डाल के निकालना है। फिर ये राउंड में है उसको डाल के ऐसे हमें करते जाना है।
इस तरह से हमने मिरर को लगा दिया है, कलर का मिरर लगा दिया है इस तरह से, ये देखिए। और इसके पास में ही हम रेड कलर का लगाएंगे, फिर ग्रीन। इसी तरह से इस पेज में जिस तरह से किया है उसी तरह से हम ये पेज में करेंगे। तो हम करते हैं, ये देखिए हमारा ये रेड कलर का मिरर रेडी हो गया है। तो हम इसके पास ग्रीन में करेंगे, इसी तरह से ये दो लाइनें हैं वो भी उसी तरह से हम कर लेंगे। ये देखिए हमारा पेज रेडी हो गया है। अब हम ये बैग में, कुर्ती में, कुछ कोई भी चीज में हम ये पेज लगा सकते हैं। तो इसी तरह से आपको अगर डिजाइनर पेज नए नए सीखने हैं तो मेरे YouTube चैनल मैजिकल हैंड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए।